अरे जाना तीर जाना जाके ये बतलाना चले आइए माधम से वो अर्जुन अपने उस तीर को समझाता है। क्या कहने लगा, क्या लिखा राग निकल रहा है? प्रणाम कहियो चरण छू कयू ने बुढ़िया के कहानी तमाम कहियो हो के तेरे साल मेरे ना दिल में आराम कहियो हो के तेरे साल मेरे ना दिल में आराम कहियो अरे न्यू कहिए तम जिंदे पाचो न्यू कहिए तम जिंदे पाचो मरिया कोई वीर नहीं जरबानों में नहीं लग्या और टूटिया कोई तीर नहीं अरे गर्दन ऊंची ठा लेंगे आज द्रौपदी का तीर नहीं वो मेरे सामने है आवे ओ घनी बार ना लावे मुखड़ा दिखता है जुलम लतिड़ा का कोई शब्द समझ में आया होगा, कोई लाइन अच्छी लगी होगी। आदरणीय मेरे भाई 100 रुपए का पुरस्कार देकर के गए, मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। सूबेदार महावीर जांगेड 200 रुपए देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। और सजनों पहले कली यदि आपकी समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो और भाई बढ़िया लगी हो तो एक बार मुझे तालियों से इशारा जरूर दे दे, धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा भीष्म गुरु द्रोण से जाकर के प्रणाम कहिए और चरण छू के उन बुढ़िया के कहानी तमाम कहियो हो गए तेरे साल मेरे ना दिल में आराम कहियो और न्यू कहिए वे जिंदे पाचो मरिया कोई वीर नहीं जरबानों में लही लग्या और टूटिया कोई तीर नहीं अरे गर्दन ऊंची ठा लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं वो मेरे सामने आवे घनी वार ना लियावे आके मुखड़ा दिखलावे जुलमती डालिए और जाकर के कह देना मेरे तीर के दादा थरे चेले आ लिए। सजनो दूसरी कली के माध्यम से वो कह लगा कि जो उन कौरवों ने हमारे दिल के अंदर जो जख्म दे रखे हैं एक एक बोल वो एक एक अपमान का बदला गिन गिन करके लेना है। सजनो दूसरी कली के माध्यम से Oh,
कतों सवारा हुआ याद है अरे याद है मैं भूला नहीं भीम जहर तमारा हुआ वरना वेद काला का मंदिर मेरी नजरों के मैं पीरा हुआ खून कहना अनगिन शीश उड़ाए जा अनगिन शीश उड़ाए जा मेरा ठंडा ना जनून कहना पांडवों की चाकी में उन कौरवों का चून कहना उत्तराकुवारी जो कि मेरी शिष्या है और शिष्या भी बेटी के समान होया करती है नू कह लगा कि जाकर के कह देना मेरे तीर कि उस दुर्योधन को बेशक से दूल्हा बना करके ले आए दुर्योधन से भी कह देना कि बहू तो तुम्हें मिल जाएगी लेकिन रास्ते में एक सांप बैठा है पहले उस सांप से लड़ाई करनी पड़ेगी पहले उस सांप से जंग करनी पड़ेगी सजनो कौन वो सांप बना और किसकी तरफ इशारा करा के कहने गया तीसरी कली के माध्यम से करण दुशासन और शकुनी ने मिलके सलाह मिलाई होगी दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई होगी रास्ते में सांप बैठा पहले उसते जंग करो वर्षों ते सुपचाप बैठा कवल नैन की बेटी उतरा पर बन के अर्जुन बाप बैठा समझ में आ गई हो अच्छी लगी है तो एक बार दो हाथों की जोरदार ताली जरूर मर देनी वेदन है चौथी और लास्ट कली के माध्यम से नू कहने लगा वो अर्जुन के कई लाखों की जनसंख्या मेरे सामने है लेकिन आज ये कुंती पुत्र अर्जुन केवल बिल्कुल अकेला है
प्रत्येक पर जीत हासिल कर करके जाऊंगा, चौथी और लास्ट कली के माध्यम से तोड़ करते हुए काली खान। और आदरणीय ताऊ जी श्री मदन लाल जी, जो कि मानका से चल करके हमारे बीच में आए हैं, शायद कोई रागनी का शब्द अच्छा लगा होगा, कोई लाइन अच्छी लगी होगी, 100 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं एक बार जोरदार ताली मार दें इनके लिए भी, जोरदार ताली। क्या लिखा? सभी चुकावेगा थारे हाड और मांस के में, थारे हाड और मांस के में कौवे चील जिमावेगा। किसी के एक दो, किसी के एक दो रांड होए थारे सोकर के बैठावेगा। किसी के एक दो रांड होए थारे सोकर के बैठावेगा। अरे न्यू कहना तम कई लाख थारे, न्यू कहना तम कई लाख थारे, इकला हाड बखेरेगा। भीष्म जी के सियाने पन पे, भीष्म जी के सियाने पन पे भर भर माटी घेरेगा। गुरु शरण दास तेरा ज्ञान जय करण करके टह सके रे।